तो आज की ठीक हमारी है। इस ऑनलाइन क्लास में दयासमल जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं पिवट टेबल के ऊपर। तो पिवट टेबल में हमने समराइजेशन पढ़ा था, हाउ कैन समराइज द डेटा। आज हम थोड़ा सा सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, मूविंग, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिवट टेबल लगाया और मैं यहाँ पे सेल्स वाले टैब को यहाँ रखता हूँ। मान लीजिए कि मुझे इस पे सेल्स मोड मैंने यहाँ पे रख दिया और मैंने क्वांटिटी यहाँ पे रख दी। सबसे पहले हम सॉर्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉर्टिंग में थोड़ा सा लंबा डेटा लेना पड़ेगा। सॉर्टिंग में मैंने क्या करता हूँ, सिटी नेम लेता हूँ, सिटी को यहाँ रखा और हम यहाँ से क्वांटिटी जो हमारा है इस क्वांटिटी को लेता हूँ और इस क्वांटिटी को मैं यहाँ डालता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट स्मॉलर टू लार्जेस्ट, या यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर हाँ शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर करेक्टर अकॉर्डिंग करना है तो इसको सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ पे शॉर्ट A to Z और यहाँ पे शॉर्ट Z to A। अब इसी में मान लीजिए मैं प्रोडक्ट को भी रखता हूँ। मैं प्रोडक्ट को नीचे रख दिया, सिटी वाइज प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट को लिया और यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो फिर सिटी का नहीं प्रोडक्ट शॉर्ट होगा। सिटी जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया तो आपने देखा प्रोडक्ट आपका चेंज हुआ, सिटी जो है उसी तरह से रहा, फिक्स रहा, वो चेंज नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ, मैंने ये आपका हो गया पेरेंट हो जाता है, इसको चाइल्ड कहा जाता है, पेरेंट और चाइल्ड, समझ गए। तो अगर पेरेंट चाइल्ड का फर्क होता है उसमें आपको इसी ध्यान रखना होता है। ओके, एक सेकंड कीजिए। हेलो, सॉरी सर, मैं मोडम रीस्टार्ट हो गया। तो आपने समझा कि यहाँ पे अगर चाइल्ड और पेरेंट के बीच में ऐसा हो तो दिक्कत हो सकती है। फिर मैं प्रोडक्ट को, यहाँ प्रोडक्ट को उठाता हूँ और प्रोडक्ट को रख देता हूँ किसमें, कॉलम। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, राइट क्लिक किया, शॉर्ट शॉर्ट A to A या शॉर्ट A to Z। ठीक है, समझ गए, A to Z और Z to A कर देते। इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब कि आप कॉलम वाइज ही शॉर्ट करते हैं और इसका भी शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्टिंग के बाद आता है मूविंग। मूविंग में हम बताते हैं आपको, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट को यहाँ रखा तो इसमें जो है आपका डीवीडी सीडी सबसे ऊपर, मैं चाहता हूँ नहीं नहीं रैम सबसे ऊपर। तो रैम पे आइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ आप कर दीजिए मूव। मूव दिख रहा है, yes, दो कॉलम सेलेक्ट कर लिया हुआ, इसमें आपको एक सेल सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे मूव मूव प्रोडक्ट टू बिगनिंग आ गया, सॉरी गलत हो गया, मैं बोला कुछ और, क्लिक किस और पे कर दिया, मूव रैम टू बिगनिंग, दिख रहा है आपको। तो इसी तरह से आप जो है बिगनिंग हो गया, या आप जो है मूव अप डाउन एंड ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कोई चीज सेकंड पे लाना हो कैसे करेंगे, मतलब ऐसा कर सकते क्या वन बाय वन? हाँ, सेकंड पे अगर आपको लाना है तो जैसे सब सेकंड पे लाना चाहते हैं ना आप, जैसे एमबी को सेकंड पोजीशन पे लाना है तो आपको एमबी को बिगनिंग कर दीजिए, बिगनिंग में आ गया, फिर इसको उठा के आप डाउन कर दीजिए, मूव टू डाउन। या फिर जैसे कि आपको यहाँ इस कर्सर कर लिया, यहाँ पे जो बन देखिए ये आपका प्लस का निशान है और इसके साथ ये देखिए मूविंग निशान बनेगा, ये नहीं मूविंग निशान बना रहा है,
अब क्लिक करके हाँ जहां रखना वहां रख दीजिए। हाँ, अच्छा, ऐसे ड्रैग करके कर सकते हैं ना, ड्रैग करके कर सकते। ओके, वैसे वो मूव ऐसे कर सकते हैं। मूव के बाद हम बात करते हैं फिल्टर। तो बेसिकली फिल्टर हमारे दो तरह के होते हैं, पहला नंबर फिल्टर, दूसरा आपका कॉलम फिल्टर। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे रखता हूँ प्रोडक्ट, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सूरत को, तो सूरत फिल्टर होता है, ठीक है। यस। उसके अलावा उसके बाद अगर मैंने कर्सर यहाँ रख रखा है, तो यहाँ पे आपका लेवल फिल्टर, वैल्यू फिल्टर आता है। तो वैल्यू फिल्टर है, मैंने बोल दिया कि भाई टॉप 10 फिल्टर हो जाए, तो आपका टॉप 10 फिल्टर हो गया। तो आप अगर यहाँ पे एक लेबल्स आएंगे, दूसरा आपका यहाँ पे आता है लेबल फिल्टर, मतलब कि जो तो लेबल्स है आपकी वो फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर का रूल वही है जो नॉर्मल फिल्टर में होता है। और ओके दूसरा यहाँ पे आपको वैल्यू फिल्टर में मतलब कि आपकी जो तो टोटलिंग है उस पर फिल्टर कर रहे हैं। उसके बाद आता है पेज फिल्टर। पेज फिल्टर मैं क्लियर करता हूँ। फिल्टर जैसे कि उठा के आपने फिल्टर में रख दिया और पेज फिल्टर पे चला जाता है, तो उसको क्लिक करेंगे तो पूरा पिवट टेबल इसी के अकॉर्डिंग फिल्टर होगा, पूरा का पूरा पिवट टेबल। ओके हाँ समझ गए? यस यस, फिल्टर में जो भी फिल्टर लेंगे वो पूरे इसके बारे में। पूरी के पूरी इसी हिसाब से फिल्टर होगा। समझ गया? यस समझ गया। अब फिल्टर के बाद अगला ऑप्शन आता है कि अगर हम कॉलम फिल्टर करना चाहें, प्रोडक्ट को यहां रख दिया तो आप कॉलम की फिल्टर, यहाँ पे कॉलम लेबल दिख रहा है जो सामने फिल्टर का निशान है, तो आप यहां से भी इसको फिल्टर कर सकते। तो आप जो है फिल्टर को समझ गए हैं, आप कॉलम को एक सॉर्टिंग समझ गए, मूविंग समझ गए, फिल्टर समझ गए। अब लास्ट आता है हमारा ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग क्या होता है, तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ, ग्रुपिंग समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट को लेते हैं, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो मेरा रैम है और जो मेरा मदरबोर्ड है, ठीक है ना, रैम और मदरबोर्ड जैसे कि पहले तो अलग अलग आते थे, अब इनबिल्ड आ रहा है हमारा, तो दोनों अब दोनों का एक जैसा सेल देखना है, मुझे इन दोनों का इकट्ठा चाहिए। इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड ग्रुप कर दिया, ग्रुप वन आ गया। अब मैं पहले पुराने वाले प्रोडक्ट को हटा दीजिए ग्रुप वन, और इस ग्रुप वन को चेंज कर दीजिए कि भाई एमबी आरएमबी, ठीक है ना। तो किसी भी डेटा के ऊपर किसी भी तरह से इसी तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब सिलेक्शन लेके सर मतलब कर सकते हैं ना कोई भी चीज ग्रुप। जी हाँ हाँ हाँ, कंट्रोल करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल प्रेस कीजिए इसको सिलेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसमें ग्रुपिंग में नंबर की ग्रुपिंग आते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को उठाया और एक बार और रख दिया किसमें, रो में। अब मुझे पता करना है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे स्लैब में टोटल कितने सेल आए। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक ग्रुप, और यहां मैं कर देता हूं 0, और यहाँ 90 की जगह पे 100 कर दीजिए, अभी जो भी ज्यादा करना है कर दीजिए। और ये 10-10 का ग्रुप हो गया, हो गया ना, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, मतलब मिनिमम हाईएस्ट और कितने का ग्रुपिंग चाहिए वैसे हम लिख सकते हैं ना सर। जी हाँ जी हाँ। अब इसी हमारी जो डेट है हमारा, मैं जो डेट के हिसाब से ग्रुपिंग करना है, हमें डेट के हिसाब से ग्रुपिंग करना है। तो मैं क्वांटिटी को यहाँ हटाता हूँ और डेट को यहाँ रखता हूँ।
ठीक है, तो डेट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाता है, लेकिन ये हमारे हिसाब से ग्रुप नहीं होता है, इसलिए इसको एक बार अनग्रुप कर दीजिए। चलिए अनग्रुप, फिर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, ग्रुप पे जाइए, ग्रुप पे आ गए। उसके बाद यहाँ हमारे पास मंथ वाइज करना है, मंथ वाइज ग्रुप हो जाएगा, क्वार्टर वाइज करना है, क्वार्टर वाइज ग्रुप, ठीक है ना सर? प्लस का सिंबल नहीं बन रहा है, क्वार्टर और मंथ दोनों चाहिए, फिर दोनों का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए मुझे ग्रुप चाहिए 15-15 दिन का ग्रुप चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे 15 लिखता हूँ, 15 दिन का ग्रुप ग्रुप चाहिए। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है सर। हाँ, तो अभी जो हमने सिखाया वो आपको शॉर्टिंग, मूविंग, ग्रुपिंग ये सब चीजें सिखा दी, कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं सर, दोनों। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोजेक्ट होना चाहिए, करेंगे प्रोजेक्ट? करेंगे सर। तो हम आपको एक बताते हैं, एक डेटा है मेरे पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, एक मिनट मैं आपको देता हूँ, दिखाता हूँ पहले, सॉरी। बायो के स्पेलिंग क्या होता है? VIO, बायो। हाँ, VIO। देखिए मेरे पास यहाँ देखिए कार्ड का डेटा है, इसमें नेम है, स्कैन डेट है, दिख रहा है? Yes. एक डेटा है जिसमें मेरे पास नेम है, इन है, आउट है। मुझे जो है इससे रिपोर्ट बनानी है, अटेंडेंस बनाना है। Yes. ठीक है, तो मुझे दोनों डेटा, दोनों डेटा का जो बायोमेट्रिक डेटा है दोनों आप देख रहे हैं क्या? एड्रेस क्या आपका? ये RAIS है ये नीचे सर, मैं आपको भेजता हूँ। ये जो डेटा जो आपने देखा, इस डेटा में अटेंडेंस का फॉर्मेट है, ठीक है? ओके, अटेंड मुझे डेटा मिला हुआ है, बायोमेट्रिक डेटा मतलब कि कार्ड डेटा मिला हुआ है, कि कार्ड की, कार्ड के स्कैनिंग डेटा मिला हुआ है, जो पंच वगैरह करते हैं ऑफिस वगैरह में उसका। हाँ, तो इससे मुझे आपको इससे मुझे अटेंडेंस बनाना है, कौन आया है कौन नहीं आया है ओ पी वट के थ्रू। और ये डेटा पे भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है, आउट डेट और इन डेट दिया हुआ है, तो आपको भी बताना है कि कब, पिवट के जरिए बताना है कि कब आया है और कब गया है। ठीक है, ये बना के मुझे भेजिए सर। सर पिवट में ना? जी हाँ, पिवट में। ठीक है सर। वो टाइमिंग का आप क्या बोले थे कि मैं एक्चुअली जी मैंने आपसे पूछा था कि जैसे कोई बंदा अगर इन होता है 10 बजे और आउट होता है वो 6 बजे जाता है, तो टोटल कितने घंटे अगर डिफरेंट निकाल लेंगे तो कोई फॉर्मूला कैसे निकलता है? लेटेस्ट डेट माइनस लेटेस्ट टाइम, मतलब लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम, मतलब कि 6 बजे माइनस 10 बजे। लेकिन आता नहीं प्रॉपर हो, मतलब ऐसा मैं इसको वो आएगा तो डेट फॉर्मेट में नहीं आता ना, उसको डेट फॉर्मेट टाइम फॉर्मेट में कर लीजिए ना, कंट्रोल शिफ्ट एडजस्ट कीजिए, टाइम आ जाएगा। और जैसे हमको सर टोटल टाइमिंग करेंगे तो आ जाएगा, छह घंटे था, 7 घंटे हाँ हाँ आ जाएगा, एक बार देखिए ना करके, देखिए दिक्कत होगा तो फोन कर लीजिएगा। ठीक है चलेगा, फोन चले। ओके सर, ओके।